नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए समझते हैं कि नामी वीआई चीते की मौत का कारण। चीता री इंट्रोडक्शन प्लान के तहत मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया से चीतों को लाया गया था। मुख्य वन संरक्षक के अनुसार मादा चीता साशा का निधन किडनी की समस्या के कारण हुआ है। 4.5 साल से अधिक उम्र की मादा चीता नामीबिया से स्थानांतरित किए गए 8 चीतों में से एक थी। किडनी में क्रिएटिनिन स्तर बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण किडनी फेलियर से मादा चीता की मृत्यु हो गई। अत्यधिक शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण वर्ष 1952 में आधिकारिक तौर पर भारत से एशियाई चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में एशियाई चीते केवल ईरान में पाए जाते हैं। केंद्र सरकार एक दशक से भी ज्यादा समय से अफ्रीका से चीतों के स्थानांतरण की योजना पर काम कर रही थी। इसके तहत 2009 में कूनू नेशनल पार्क को भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में चुना गया था। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में नामीबिया से 4 से 6 साल की उम्र के 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था। एशियाई चीतों की तुलना में अफ्रीकी चीते आकार में बड़े होते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई चीतों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त जबकि अफ्रीकी चीतों को वल्नरेबल घोषित किया हुआ है। चीतों को दुनिया का जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है। मध्य प्रदेश के शयोपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ कूनू एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। कूनू नेशनल पार्क का नाम यहाँ बहने वाली नदी कूनू से लिया गया है। वर्ष 1981 वन्य जीव अभयारण्य के रूपों में स्थापित कूनू को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कूनू नेशनल पार्क को तेंदुआ, सियार और चिंकारा हिरण के लिए भी जाना जाता है।